दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी मोटर पानी कम देती है या बिल्कुल नहीं देती है तो उसमें क्या कमी होती है। सबसे पहली कमी तो हमें यहाँ चेक कर लेना चाहिए। ये देख सकते हैं मोटर और इसके पंप के बीच में एक शाफ्ट होती है, वहाँ सीले होती हैं। सबसे पहले हमें वहाँ चेक कर लेना है, वहाँ से पानी तो नहीं आ रहा है। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यही वो चीज़ है जहाँ से पानी निकलता है। इसके नीचे से अगर पानी टपक रहा है तब भी आपकी मोटर पानी बिल्कुल नहीं देगी या कम देगी, ठीक है। पहली चीज़ तो हमारी एक यहाँ हो जाती है, और दूसरी चीज़ हमारी एक और मेन जो इसका इंपेलर होता है हमें उसे भी चेक करना रहता है, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं इसका इंपेलर। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं पानी निकल रहा है तो आपकी सीले ख़राब है। ये देखिए ध्यान से एक बार मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, इसका इंपेलर भी टेढ़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है पानी कम देती है या बिल्कुल भी नहीं देती है। दोस्तों इस छेद में लोहे की कोई स्क्रैप वगैरह पड़ जाती है या कोई पत्थरी चीज़ पड़ जाती है तो ये ख़राब हो जाता है, इसके दांते टेढ़े हो जाते हैं, तो ये पानी कम भी देता है और बिल्कुल भी नहीं देता, ये टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है। आप ये चलता हुआ देख रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक इंपेलर है। दोस्तों ये मोटर का इंपेलर है, ये देखिए ये ख़राब है, इससे पहले आपने देखा वो सही था। ये कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है, लेकिन ये इसके दांते टूट गए हैं किसी वजह से, ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके एक एक दांता साबुत है, ये बिल्कुल एक नंबर इंपेलर है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें।